हेलो गाइस, स्वागत आप सभी का मेरे चैनल पे एक और नई वीडियो के अंदर। और गाइस, अभी मैंने थोड़े टाइम पहले एक ऐप के बारे में आप सभी को बताया था और वो था Shopzee। अब वहां पर मैंने उस ऐप के बारे में आपको सिर्फ बताया था और बताया था कैसे आप उससे कैशबैक जो है वो ले सकते हो अगर आप फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हो तो। बट आज की वीडियो के अंदर वही ऐप मैं आपको बताऊंगा और उस ऐप का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप उसे इंस्टॉल करो, यूज करो, उस लिंक के थ्रू करना। उससे हमारे चैनल को भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी और आपका भी थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा उससे। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इंट्रो चलने देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया ताकि आपको अच्छी तरीके से बता सकूं कि भाई मैं कौन से ऐप के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर हम प्ले स्टोर पे जाते हैं तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं Shopzee, तो ये वो ऐप है और ये ऐप फ्लिपकार्ट का ऑफिशियल ऐप है। लाइक वो कैश करो या फिर उस टाइप से नहीं है कि वो तो थर्ड पार्टी ऐप है। ये फ्लिपकार्ट का ऑफिशियल ऐप है, मतलब उन्हीं का ही है। जैसे उनका टू गुड ऐप आता है सेकंड हैंड फोन्स के लिए, तो सेम ऐप ये आता है Shopzee। अब इस ऐप का बेनिफिट क्या है मैं पुरानी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं इस ऐप के बारे में। और फिर मैं आपको और बताऊंगा कि भाई मुझे इस पे से कितना कैशबैक मिला और अगर आप खरीदते हो तो आपको कैशबैक मिलेगा या नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या इसका फॉर्मेट रहने वाला है। तो यहाँ पे देखो, ये इसका होम पेज रहेगा, सेम टू सेम फ्लिपकार्ट का है। तो आपको सिर्फ करना है इतना कि भाई फ्लिपकार्ट के साथ साथ यहाँ पर Shopzee को भी इंस्टॉल कर लेना है। जब भी आपको शॉपिंग करनी है तो फ्लिपकार्ट की जगह यहाँ पर Shopzee को ओपन करना है, फ्लिपकार्ट के अंदर भी लॉग इन करके रखना। उसके बाद मान लो मुझे एक लैपटॉप लेना है तो मैं यहाँ पर लैपटॉप पर टैप करूंगा। अगर कोई लैपटॉप यहाँ पर अच्छा लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो अगर आपकी कोई स्पेसिफिक लैपटॉप है तो आपको जस्ट यहाँ पर वो उसे सर्च कर लेना। लाइक मैं अभी MSI लैपटॉप यहाँ पर सर्च कर देता हूँ जो इसे एक स्पेसिफिक रहता है। मैं यहाँ पर MSI का ये वाला लैपटॉप लेता हूँ तो देखो 56,990 रुपीज का है, मतलब 57,000 के समथिंग है Shopzee पे। और अगर मैं यहाँ पर इसे फ्लिपकार्ट पे सर्च करता हूँ तो यहाँ पर मैं ये चीज भी आपको दिखा देता हूँ भाई प्राइस में डिफरेंस है या नहीं है। यहाँ पर MSI लैपटॉप लिख देते हैं तो यहाँ पर प्राइस आपको बिल्कुल एग्जैक्ट सेम मिलेगा। देखो 56,990 और Shopzee के अंदर देखो 56,990 एग्जैक्ट सेम है। तो अगर आप इसे फ्लिपकार्ट से लेते हो तो आपको ये सेम टू सेम इसी रेट में मिलेगा। और यहाँ पर जो भी इसके डिस्काउंट चल रहे हैं 10% SBI के डेबिट कार्ड पे, क्रेडिट कार्ड पे, तो मतलब ये आपको मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको और कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं मिलेगी। बट आप इसे खरीदते हो Shopzee से तो यहाँ पर आप देखो, अगर आप इस पर टैप करोगे तो आपको ये वाले बेनिफिट तो मिलेंगे 10% SBI का, 10% क्रेडिट कार्ड पे, जो भी मतलब जो नॉर्मल फ्लिपकार्ट में मिल रहे थे। बट उसके अलावा आपको एक चीज एक्स्ट्रा 1,000 रुपए आपको डायरेक्ट आपको आपकी बैंक अकाउंट के अंदर मिलेंगे, जो एक अच्छी चीज है। लाइक हम अगर फ्लिपकार्ट से शॉपिंग कर रहे हैं और अगर वहां पर शॉपिंग करने पे हमें 1,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाए तो भाई मतलब क्या बुरी बात है, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई मेरे को पर्सनली वो मिल चुके हैं, मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गए हैं, कब हुए, कितना टाइम लगा, वो भी मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा ताकि आपको बिल्कुल एकदम करेक्ट तरीके से पता लगे। तो यहाँ पर देखो, हर प्रोडक्ट पे अलग प्राइस रहता है, हर प्रोडक्ट पे कैशबैक का जो अमाउंट है वो अलग रहेगा। देखो इन लैपटॉप्स पे 1,000 रुपए है और कईयों पे कम भी रहता है, कईयों पे ज्यादा भी रहता है। किसी और प्रोडक्ट पे जाएं, लाइक अगर मैं Narzo 50A लेता हूँ तो 75 रुपीज है इस पे कैशबैक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर टीवीज पे जाते हैं तो टीवीज पे देखो 1280 है, 1800 रुपए का भी कैशबैक आपको इस पे मिल सकता है। 480, 550, 600, 960 और ये रही वो रियलमी की टीवी जहां पर मेरे को 2600 रुपए का कैशबैक मिला था। और यहाँ पर अब जो इसमें मिल रहा है वो 1,040 रुपए यहाँ पर कैशबैक हमें देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं मुझे कितना कैशबैक मिला और वो मेरे अकाउंट में आया है या नहीं आया। तो यहाँ पर अगर आप नीचे देख पाओ तो यहाँ पर देखो होम शेयर्ड अर्निंग्स ऑर्डर अकाउंट लिखा आ रहा है। तो यहाँ पर अर्निंग्स पे अगर हम टैप करते हैं तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ टोटल डिपॉजिट 2788 रुपए यहाँ पर टोटल डिपॉजिट हो चुके हैं और यहाँ पर पेंडिंग 0 है क्योंकि अभी मैंने कुछ भी नहीं खरीदा है फ्लिपकार्ट से। और यहाँ पर आप देखो ट्रांजेक्शन डिटेल्स अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो देखो पेमेंट स्टेटस है डिपॉजिटेड, मतलब ये डिपॉजिट हो चुका है। और डेट देखो 31/10/2021 और ये अमाउंट है 2788 रुपए। अगर मैं इस पर टैप करता हूं तो यहाँ पर देखो ये प्रॉपर दिखाएगा मतलब कितना कितना अमाउंट किस किस से मेरे को यहाँ पर रिसीव हुआ। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या ये मेरे बैंक अकाउंट में आया है नहीं आया, ट्रांजेक्शन डिटेल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप ये स्क्रीनशॉट देख लो, डेट है 31/10/2021 और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है IMPS और क्रेडिट अमाउंट देखो एग्जैक्ट वही है 2788 रुपए। और इसे मेरे अकाउंट में क्रेडिट होने में लिटरली
ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट भी नहीं लगे होंगे। यहाँ पर आप एक चीज का खास ध्यान रखना, यहाँ पर ये अमाउंट जो क्रेडिट होता है इसके अकाउंट में, ये अमाउंट तब क्रेडिट होगा जब आपने जो प्रोडक्ट ले रखा है उसका रिटर्न पीरियड जो है वो ओवर हो जाएगा। लाइक अगर मैंने कोई चीज खरीदी और उसका रिटर्न पीरियड 1 हफ्ता का है, तो उसे खरीदने के बाद मेरे पास डिलीवर होने के 1 हफ्ते बाद ये आपके यहाँ पर शॉपजी के माई अर्निंग सेक्शन में यहाँ पर पेमेंट एलिजिबल पे दिखाएगा। उससे पहले टोटल पेंडिंग पे यहाँ पर शो कर रहा है और उसके बाद जैसे ही रिटर्न पीरियड ओवर होगा आपका पेमेंट एलिजिबल पे आ जाएगा। आपको विड्रॉ नाउ पे क्लिक करना है और आपके अकाउंट में डायरेक्ट वो चला जाएगा। आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट भी ऐड करना होगा, मैं अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ कैसे आपको ये करना है। तो यहाँ पर इस ऐप के ऊपर वीडियो बनाने का मकसद यही था कि भाई ये आपको रियल कैशबैक देता है आपके बैंक अकाउंट में, कोई ऐप के वॉलेट के अंदर नहीं, कोई यहाँ पर लिमिट नहीं है कि आपको यहीं पर ही इसे यूज करना है या कुछ करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो भी कैशबैक आप यहां से अर्न करते हो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में जाएगा और उसे आप एज ए रियल कैश यूज कर सकते हो। ये एक सबसे बेस्ट चीज लगी मेरे को इस ऐप की। तो नॉर्मली हम फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते ही हैं और अगर हम इस ऐप के थ्रू फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं जो कि एक तरह से सेकंड फ्लिपकार्ट ही है ऑफिशियल, तो फिर अगर हमें एक्स्ट्रा कैशबैक मिल रहा है तो फिर इसमें कोई बुरी बात नहीं है मेरे हिसाब से। आपका क्या ओपिनियन है इसके रिगार्डिंग आप नीचे कमेंट करके मेरे को जरूर बता सकते हो। तो ये थी वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।